है एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सिक्स को आज 4th of January। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। यू कैन फील पॉजिटिव राइट नाउ। वी आर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, इंसाइटमेंट, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लीजेंट और बॉयल्ड, मतलब किसी को उकसा देना एकदम, है ना, किसी को इतना ज़्यादा गलत करने के लिए इनकरेज करना ना, उसी को इंसाइटमेंट कहा जाता है। इंसरेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है बगावत, मतलब जो वायलेंट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द रूलर ऑफ द कंट्री और द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वायलेशन वगैरह होने लगता है ना, उसी को इंसरेक्शन कहा जाता है। ग्रेवली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लुकिंग वेरी सीरियस और वरीड, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस, गंभीर, चिंता में एकदम दिखना एकदम, उसी को ग्रेवली कहा जाता है। और इनकैपिसिएटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समबडी अनएबल टू डू समथिंग, मतलब किसी को मतलब कोई काम करने से मतलब एकदम मना हो जाए, नहीं करना एकदम, है ना, उसी को कहा जाता है अनएबल टू डू समथिंग, जो करने योग्य नहीं रहता है ना। और एक्सपर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज़ में अचानक बढ़ोतरी होने लगता है ना, उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। और डिस्ट्रेस एक नाउन जिसका मतलब होता है अधिक कष्ट, पीड़ा, दुख जो रहता है, द स्टेट ऑफ बींग वेरी अपसेट और सफरिंग ग्रेट पेन वगैरह जो फील करते हैं ना, ठीक है, वो डिस्ट्रेस कहा जाता है। स्पाइक एक नाउन है जिसका मतलब होता है बढ़ना एकदम, अचानक तेज़ी से बढ़ना, जैसे कोरोना वायरस जो अचानक तेज़ी से बढ़ने लगता है ना, उसको स्पाइक कहा जाता है। स्केयर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स नॉट एग्जिस्टिंग इन द लार्ज क्वान्टिटी और हार्ड टू फाइंड, इसको खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है ना, उसी को स्केयर्स कहा जाता है। और कई सेशन अगर पसंद आ रहा है जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पीलिंग अप एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, मात्रा में बढ़ोतरी होने लगता है ना, ये गलत सेंस में है ना, उसी को पाइलिंग अप, जैसे नहीं बोलता कूड़ा कचरा वगैरह जो जमा होने लगता है ना, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे। और प्रीवेलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब था प्रचलित एकदम, मतलब मोस्ट कॉमन इन अ पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर टाइम, मतलब समय के अकॉर्डिंग जो खास रहता है किसी खास जगह के लिए ना, उसी को प्रीवेलेंट कहा जाता है। और कंटेंटमेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है रोकथाम, द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर द कंट्रोल और विद इन द लिमिट, मतलब किसी चीज़ को अपने बस में कर लेना है ना, जो भी गलत है ना, ठीक है, उसको रोक देना, रोक कर देना है ना, उसी को कंटेनमेंट कहा जाता है। स्वेथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है लार्ज स्ट्राइप और एरिया ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा जो हिस्सा रहता है, भाग रहता है ना, उसी को स्वेथ कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शॉकिंग, मतलब एकदम शॉक हो जाना एकदम, है ना। और मोरली अनएक्सेप्टेबल जिसको नैतिक रूप से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता, उसको आउटरेजियस कहा जाता है। वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, किसी को पूर्ण रूप से एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। डिक्रीज एक नाउन है जिसका मतलब होता है सरकार शासक आदि द्वारा जो दिया गया आदेश रहता है ना, मतलब एन ऑफिशियल ऑर्डर गवर्नमेंट या फिर किसी रूल के द्वारा दिया जाता है, उसी को डिक्रीज कहा जाता है। और फ्लॉगिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है पनिशमेंट इन विच समवन इज बीटन सेवरली विथ अभी फॉरेस्टिंग, मतलब एक ऐसा सजा दिया जाता है जिसमें किसी को स्टिक वगैरह से मारा जाता है ना, डंडा वगैरह से, उसको फ्लॉगिंग कहा जाता है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उस तरीके से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।